झारखंड की राजनीति एक बार फिर दिल्ली शिफ्ट हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अचानक दिल्ली तलब किया गया है। वह 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के दिल्ली पहुंचते ही सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस कोटे के एक मंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। कांग्रेस आला कमान के साथ मुख्यमंत्री कई मुद्दों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से भी भेंट करेंगे। पिछले दिनों आरपीएन सिंह ने पार्टी के मंत्रियों के साथ कामकाज की समीक्षा की थी। संथाल में आने वाले एक मंत्री के काम पर नाराजगी भी जताई गई थी। इस दौरान बोर्ड निगम के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई थी, जबकि 20 सूत्री कामों की समीक्षा के लिए एक समिति व जिला प्रखंड स्तर पर गठन को लेकर फार्मूला तय होना है। कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं को एक जगह एडजस्ट करना चाहते हैं। जबकि एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का संगठन में कद बढ़ गया है। इसके राजनीतिक संकेत भी खोजे जा रहे हैं। पिछले दिनों पांडे दिल्ली में थी और उन्होंने पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की थी। संथाल परगना में पार्टी सरकार के अंदर इनके लिए संभावना तलाश कर सकती है। वहीं कांग्रेस के अंदर बंधु तिर्की का नाम भी जोरों से उछाला जा रहा है। वजह यह है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद नेता बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला दल बदल मामले में फंसा है। कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा हो। कांग्रेस में शामिल होने वाले दोनों विधायकों ने भी आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन दो विधायकों पर चल रहे दल बदल के मामले के कारण पार्टी अहम फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार में मंत्री का 12वां सीट भी खाली है। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस कोटे से एक मंत्री बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों का विभाग में भी बदलाव संभव है। साथ ही बोर्ड निगम के बंटवारे को लेकर भी नेता मुद्दा उठा रहे हैं।